एसटी ओबीसी का आरक्षण छीन कर को मुस्लिमों को देना चाहते हैं। समाज के हक पर ये डाका डालने में उसकी फिराक में है। कांग्रेस को और उनके चट्टोपट्टों को आरक्षण के मुद्दे पर चुनौती दे रहा हूं। धर्म के आधार पर आरक्षण के लिए संविधान के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे। इलाज का खर्चा नहीं उठाना पड़ेगा। अब ये खर्चा दिल्ली में आपका ये बेटा उठाएगा। 2007 में बिहार के शहजादे के पिताजी ने मुस्लिमों को ये आरक्षण में से निकाल करके कोटा देने की बात कही। रेल मंत्री के रहते हुए उन्होंने रेलवे अधिकारियों को कहा था कि मुस्लिमों के लिए कोटे का इंतजाम किया जाए। सोचिए, ये एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण छीन कर को मुस्लिमों को देना चाहते हैं। आप मुझे बताइए, धर्म के आधार पर ओबीसी एससी एसटी आरक्षण अगर कटेगा तो यादव कुर्मी इन समाज का हक भी बचेगा क्या? सब कुछ खत्म हो जाएगा। पासवान मुसहर रविदास दानुक समाज के हक पर ये डाका डालने में उसकी फिराक में है। मैं पिछले 12 दिनों से कांग्रेस को और उनके चट्टोपट्टों को आरक्षण के मुद्दे पर चुनौती दे रहा हूं। मैंने उनसे कहा है, मैंने लिखित में मांगा है कि इंडी गठबंधन धर्म के आधार पर एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण छीन करके मुसलमानों को नहीं देंगे। धर्म के आधार पर आरक्षण के लिए संविधान के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे। लेकिन इनके पेट में पाप है, 12 दिन से मैं मांग कर रहा हूं, ये चुप बैठे हैं। हमारी प्रेरणा कर्पूरी ठाकुर है, जिन्हें कुछ समय पहले भारत रत्न देने का सौभाग्य हमें मिला है। पिछले 10 साल में बिहार में हमने 40 लाख गरीबों को पक्के घर दिए हैं, करीब 1.25 करोड़ गैस कनेक्शन दिए हैं। आज गरीबों को मुफ्त राशन मुफ्त इलाज मिल रहा है। और अब मोदी ने ये भी तय किया है कि आपके परिवार में बिहार में कोई भी 70 साल की ऊपर के बुजुर्ग होंगे तो आप उनके संतानों को उनकी बीमारी में इलाज का खर्चा नहीं उठाना पड़ेगा। अब ये खर्चा दिल्ली में आपका ये बेटा उठाएगा। आज से 1000 साल पहले जब पश्चिम से भारत पर हमले होने शुरू हुए थे, तब किसी ने नहीं सोचा था कि भारत 1000 साल की गुलामी में गिर जाएगा। जो बिहार देश को दिशा दिखाता था, वो ऐसे संकटों से घिरा कि सब कुछ तबाह हो गया। लेकिन साथियों, भारत के भाग्य ने आज एक बार फिर करवट ली है। बिहार के भाग्य ने एक बार फिर करवट ली है। 21वीं सदी में ये कालखंड ऐसा आया है जब भारत फिर से अपनी सारी बेड़ियां तोड़कर उठ खड़ा हुआ है। आज भारत की दुनिया में जो साख है ना, वो नई ऊंचाई पर है। आज भारत चांद पर पहुंच गया है, जहां कोई नहीं पहुंचा।